अच्छा, इसके बाद ना कुछ एडवांटेजेस बताएं होलसेल एफबीए के, कि मेन एडवांटेजेस हमारे पास होते क्या हैं इसमें, क्या है कि ये कोई 5 एडवांटेजेस बताएं मैं। लेस इन्वेस्टमेंट, उतनी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़ती है जितना प्राइवेट लेवल में करते हैं। प्राइवेट लेवल में क्या इन्वेस्टमेंट है कि पूरा फुल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और होलसेल में क्या है एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ ही कॉन्टैक्ट करके उसी के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो इतनी इन्वेस्टमेंट हमें होलसेल में नहीं लगती, ठीक है। और हमें क्या होता है अमेजोन पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करते हैं, तो उधर से हमें पता लगना शुरू होता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा डिमांड में, तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में होती है फिर हम उसी प्रोडक्ट को उठाते होते हैं। और लोअर रिस्क में यह ना हमारे पास के ये होता है कि अब लेट सपोज मैंने प्राइवेट लेबल एक न्यू ब्रांड लॉन्च किया, तो उसमें क्या मेरे पास रिस्क हो सकता है, उसमें ये रिस्क हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर में कोई फॉल्ट आ जाए, या मेरे पास एडवर्टाइजमेंट उसकी सही तरीके से नहीं हुई भी, तो वो एक मतलब फॉल्ट में आता है। तो होलसेल में हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियसली हम वही प्रोडक्ट्स उठाएंगे जो डिमांड में है। जब प्रोडक्ट्स डिमांड में होती हैं तो उनके ब्रांड्स ऑलरेडी वेल नोन होते हैं, इसी वजह से फिर हम क्या करते हैं कि हम इन चीज़ों के कोई रिस्क की वो नहीं होती, चांसेस बहुत कम होते हैं हमारे पास ऐसे रिस्क के या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आएगा। अगर वो फॉल्ट आता भी है तो वो ऑब्वियसली वो ब्रांड के ऊपर होता है, वो हमारे ऊपर नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास क्विक टू गेट स्टार्टेड, इसलिए कि प्राइवेट लेवल में क्या होता था कि हम पूरा ब्रांड लॉन्च करेंगे, जब तक ब्रांड लॉन्च नहीं हो जाएगा उसकी हमारे पास इन्वेंटरी में अच्छी खासी प्रोडक्ट्स नहीं आ जाती तब तक हम उसको सेल नहीं कर सकते। हालांकि अमेजोन पे क्या है, बस प्रोडक्ट खरीदी हम लोगों ने, ठीक है, होलसेल में, और उसको आगे सेल कर दिया, उससे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं लगता, ठीक है, ईजी टू स्केल है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो करते होते हैं। और स्केलेबल का मतलब ये होता है ना कि हम इजीली कस्टमर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर हमें अपनी नीड्स के बारे में बता सकते हैं, तो ये हमारे पास सारे एडवांटेजेस आते हैं। अब कुछ टूल्स हैं और कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हम लोगों ने अमेजोन पे काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ टूल्स हैं पेड है और कुछ हमारे पास फ्री एक्सटेंशंस हैं। तो सबसे पहले जो पेड टूल है जिसपे अभी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोगों ने काम करना है, ये हमारे पास कीपा का टूल है। ये इजीली जो अमेजोन पे काम मतलब ऑलरेडी कर रहे होते हैं ना, ये टूल्स प्रोवाइड करते होते हैं। और इसका जो अगर पूरा फुल अगर टूल लेना होता है ना, तो वो बेसिकली पड़ता है 6,000 का, अगर पूरा फुल ले रहे हैं अकाउंट। लेकिन अकाउंट शेयर्ड भी मिलता है, तो शेयर्ड में 6 लोग वो इस्तेमाल करते होते हैं, तो वो क्या होता है पर हेड फिर क्या कितना आ जाता है हमारे पास, 6,000 पर हेड आ जाता है, वो 1,000 सॉरी पर हेड आ जाता है तो कीपा के टूल में, ठीक है। उसके बाद ये हीलियम 10 है, हीलियम 10 हमारे पास पेड वर्जन भी है इसका और फ्री वर्जन भी है, तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं, बल्कि प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ ही फ्री वर्जन किया हम लोगों ने, अब बाकी ये जितने भी गिवन है ना अभी इन पर हम लोगों ने काम नहीं किया। फ्री एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन में क्या करना है हम लोगों ने अभी जितनी ऐड करनी है ना, वो है एक OS एडॉन की एक्सटेंशन हम ऐड करेंगे अपने ब्राउज़र पे, DS क्विक व्यू की करेंगे, ठीक है, और एक और भी है वो मैं मतलब जब एक्सटेंशन ऐड करने का टाइम होगा उसमें बताएंगे। अब अमेजोन में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है हमारे पास जो टर्म्स हम यूज़ करते होते हैं, लिस्टिंग, लिस्टिंग हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, बेसिकली प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना वो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग है। लेट सपोज यहाँ पे जाके ना अमेजोन ओपन करते हैं हम, ये अमेजोन की मेन हमारे पास साइट ओपन होगी amazon.com से, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च कर लेते हैं। लेट सपोज मैं सर्च करती हूँ ग्लास, ये मैंने सर्च किया और ये रिजल्ट्स आ गया मेरे साथ, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये पहला वाला ओपन कर लिया प्रोडक्ट, अभी ये ऐसे ही ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन किया। अब यहाँ पे ना पहले तो प्रोडक्ट की इन सारी डिटेल्स उन्होंने बता दी, ठीक है, कि ब्रांड ये है, कलर ये है, मटेरियल कैपेसिटी, ठीक है, उसकी ये सारी अबाउट दिस आइटम, रेटिंग्स कितनी आ रही है उसकी, ठीक है, और इसके बाद ये फिर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ये सारी दी हुई है, ब्रांड कौन सा है, कलर क्या है हमारे पास, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी। तो ये क्या थी, ये थी प्रोडक्ट लिस्टिंग की, सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ गई है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग ये होती है कि ब्रांड पता लगता है हमें, कस्टमर्स पता लगते हैं उसकी क्या नाम है, कितनी ये रेटिंग कितनी है हमारे पास, अभी इसकी 4.7 है, ठीक है, इसकी प्राइस क्या है 21.41, ठीक है, ये प्राइस है इस तरह से। और यहाँ पे इन स्टॉक उन्होंने बताया हुआ है कि स्टॉक में कितने आइटम्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमें पता लग जाती है, ठीक है। तो ये थी प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसके बाद आता है बाय बॉक्स,
बाय बुक्स क्या था ये, एड टू कार्ट एंड बाय नाउ, ये जो लिखा मैंने, तो ये जो बाय नाउ है ना, ये बाय बॉक्स होता है बस बेसिकली। बाय बॉक्स का क्या काम होता है, अब होलसेल में जो प्रोडक्ट्स होती है ना उनके कितने सेलर्स होते हैं, वो सेलर्स होते हैं हमारे पास 3 से ज्यादा। जब सेलर्स आ जाते हैं उसका मतलब है वो प्रोडक्ट होलसेल पे। अब देखते हैं ये प्रोडक्ट होलसेल पर है या नहीं। अभी ये शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई भी एक्सटेंशन मैंने नहीं लगाई हुई यहाँ पे, कोई भी एक्सटेंशन मैंने ऐड नहीं की हुई इस वाले ब्राउजर पे। तो जब हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं ना तो उसके बाद वो हमें बता देते हैं कि कितने सेलर्स है इसके ऊपर है, और वो हमें नीचे ग्राफ्स वगैरह भी देते हैं कि ये सारे ग्राफ्स हैं ठीक है, और वो इन स्टॉक भी बताते हैं कि स्टॉक में कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, कितने सेल हो गए। ये हमें किससे पता लगता है, ये सारी एक्सटेंशंस के थ्रू पता लगते हैं ठीक है। अभी हम बात करते हैं बाय बॉक्स की। तो बाय बॉक्स में क्या होता है कि हम बाय बॉक्स, अब लेट्स सपोज इस ग्लास के ना, लेट्स सपोज कितने सेलर्स हैं, 5 सेलर्स हैं, इसका मतलब है ये ग्लास हमारे पास किस पे है, होल सेल पर है ठीक है। अब और एक मैं और इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ ठीक है, मतलब मैं भी इसको बाय बॉक्स जो है वो लेना चाहती हूँ कि मेरे पास भी बाय बॉक्स आ जाए ताकि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूँ। मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए बाय बॉक्स हमें बाय करना पड़ता है। अब आ गया बाय बॉक्स मेरे पास भी ठीक है, अब कितने सेलर्स हो गए, अब सेलर्स हो गए उसके 6 सेलर्स ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं इसकी बाय बॉक्स लेने की, क्योंकि ऑब्वियसली अब लेट सपोज अमेजोन ने मुझे 15 मिनट्स के लिए बाय बॉक्स दिया, मतलब हर सेलर को वो 15 15 मिनट्स के लिए बाय बॉक्स दे रहा है। अब अगर वो 15 मिनट्स के लिए देता और उस टाइम पे मेरे पास 15 ऑर्डर आ गए तो वो कितने वो 15 के 15 ऑर्डर्स मेरे हिस्से में जाएंगे, वो बाकी सेलर्स के हिस्से में नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन 15 मिनट्स में बाय बॉक्स मेरे पास था ठीक है। और लेट सपोज 15 मिनट्स के लिए बाय बॉक्स मेरे पास आया है लेकिन कोई भी सेल नहीं आई, तो कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास ऐड नहीं होगी, मतलब मेरे अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा ठीक है। सारी असल जो पूरी फुल हमारे पास गेम होती है ना अमेजोन की, वो बाय बॉक्स के ऊपर आ जाती है ठीक है। वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हम देख के प्रोडक्ट रखेंगे, लेकिन अगर बाय बॉक्स की ट्रिक्स होती है कि किस, अब बाय अमेजोन देता किसको है बाय बॉक्स पहले, जिसकी सबसे ज्यादा जिस सेलर की सेल्स होती है ना उसको वो सबसे पहले बाय बॉक्स देते थे, पहले 15 मिनट सबसे हाई, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर सबसे लो, इस तरह से बाय बॉक्स आता। MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जैसे को जिस तरह मैंने कहा था, मैंने जुनेद जमशेद से कांटेक्ट किया ब्रांड से ठीक है, कि मुझे आपके 50 ड्रेसेस चाहिए ठीक है, मैं 50 ड्रेसेस आपके होलसेल पे लेके अपने जो अकाउंट पे लिस्ट करूंगी और फिर उसको जो है वो आके सेल करूंगी। अब मुझे, मैंने डायरेक्ट ब्रांड को कॉन्टेक्ट किया ठीक है। अब जुनेद जमशेद एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, तो अब वो मुझे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको 50 अमाउंट में नहीं दे सकता, अगर आप मेरे से 200 ड्रेसेस खरीदेंगे तो मैं आपको 200 ड्रेसिंग एज एन होल सेल पे आपके अकाउंट पे सेल करने के लिए दूंगा, इससे कम के ड्रेसेस मैं नहीं दे सकता। तो मतलब उन्होंने एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट की हुई है ब्रांड्स ने कि आप इतने का इतने प्रोडक्ट्स लेंगे तो हम आपको होल सेल पे देंगे। तो फिर उसके बाद अब वो मुझे नहीं दे रहे, और मैंने पहले क्या करना है, पहले मैं तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट ही करूंगी ना कि मेरी वो प्रोडक्ट सेल होती है या नहीं। मैं 200 इन्वेंट्री भी मंगवा के रख लूँ, वो सेल थी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, लॉस हो गया सारा मेरा ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम कि मैं जो मेन ब्रांड से जब मैंने कांटेक्ट किया तो जब उन्होंने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा आप 200 ड्रेसेस लो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट दे दें जो ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल कर ठीक है। मतलब एक ऑब्वियसली अब एक तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा उनके ब्रांड का, अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं मतलब होलसेलर्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी एक होलसेलर से कॉन्टैक्ट करूँगी ठीक है, मैं उसको कहूँगी मुझे आप अपने 50 प्रोडक्ट्स दे दो, मतलब इस ब्रांड की मुझे इस साइज में, इस कलर में, मुझे इस डिज़ाइन में 50 प्रोडक्ट्स चाहिए, वो मुझे 50 प्रोडक्ट्स दे देगा। तो ये थी मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हर ब्रांड ने अपनी सेट की हुई थी कि इससे कम में हम होलसेल पे आपको नहीं दे सकते ठीक है। इसके बाद था न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ FBA सेलर्स, कितने सेलर्स हैं किसी एक प्रोडक्ट के, कितने सेलर्स हमारे पास सेल कर रहे होते हैं, न्यू ऑफर काउंट का यही मतलब होता है ठीक है। ये जब हम आगे प्रोडक्ट हंटिंग में ना फिल्टर लगाते होते हैं वहाँ पे बड़ी काम आती है। अब जिस तरह मैंने कहा है ना कि होल सेल में हमारे पास जब 3 से ज़्यादा हमारे पास सेलर्स आ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो होल सेल में आती है ठीक है। तो न्यू ऑफर काउंट याद रखना है, होल सेल में हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी,